हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम नेहा भट्ट योर साइंस टीचर स्टूडेंट्स दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड इन दिस पार्ट विल सॉल्व आवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज सो लेट्स बिगिन कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये क्या है बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इनके बीच में हमको क्या करना है इनकी प्रॉपर्टीज में कंपेयर करना है ओके इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं राइट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट है एटम right? के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है राइट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल्स हैं बच्चों नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ठीक है प्रोटॉन्स कैसे हैं प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं राइट एंड वॉट अबाउट न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता वो कैसे होते हैं न्यूट्रल होते हैं राइट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू नेग्लेजिबल जो इलेक्ट्रॉन का मास है right? hai, बहुत ही कम होता है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं ठीक है द मास ऑफ अ प्रोटोन इज अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड टाइम्स एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन के मास से अगर हम कंपेयर करें प्रो तो प्रोटॉन का मास कितना है 2000 टाइम्स ज्यादा है ठीक है इलेक्ट्रॉन के मास से ओके द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल है है ना एप्रोक्सीमेटली दोनों के मास कैसे हैं इक्वल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे जे थॉमसनस मॉडल ऑफ द एटम जे जे थॉमसन का मॉडल याद कीजिए क्या कहा था इन्होंने इन्होंने कहा था कि जो एटम है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज इस्फियर है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है यही कहा था ना उन्होंने अकॉर्डिंग टू जे जे थॉम्स एंड मॉडल ऑफ एन एटम एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज इस्फी विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट ठीक है क्या कहा था उन्होंने कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज इस्फीर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं तो उनका लिमिटेशन क्या था भाई क्या कमी रह गई थी उनके इस मॉडल में हाउ एवर इट वॉज लेटर फाउंड जब रदरफोर्ड आए उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बता रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है ऐसा नहीं है ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो प्रोटोन है ये तो बहुत थोड़े से ही वॉल्यूम में सेंटर में कंसेंट्रेटेड है जिसे उन्होंने क्या कहा था न्यूक्लियस कहा था ठीक है हाउ एवर इट वॉज लेटर फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिसाइड एट देंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस ठीक है एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है यही था उनका लिमिटेशन क्योंकि जब रदरफुड आए उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या देखा कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो एम टी है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना जैसे थॉमसन ने कहा था कि ये पूरा स्फीयर है ऐसा नहीं है ये तो बहुत थोड़ा सा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कहाँ प्रेजेंट है ये ये एटम के सेंटर में है बहुत थोड़े से वॉल्यूम में है और उसमें उन्होंने कहा था न्यूक्लियस ठीक है तो ये हमारे जे जे थॉम्सन का क्या था लिमिटेशन नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदर फोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम अब भाई रदर फोर्ड का मॉडल बिल्कुल बहुत अच्छा था उन्होंने अल्फा रेस कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसा है एम है बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो प्रोटोन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो बहुत थोड़े से वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड है जिससे उन्होंने कहा न्यूक्लियस है ना और जो एटम का मास है वो भी कहाँ है वो भी उस न्यूक्लियस में है बिल्कुल सही बात लेकिन एक उनका था क्या ड्रॉबैक क्या ड्रॉबैक था उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ठीक है तो अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी लॉस क्यों नहीं हो रही है और अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो एनर्जी लॉस करते करते इलेक्ट्रॉन को तो क्या हो जाना चाहिए था न्यूक्लियस में ही गिर जाना चाहिए था तो हमारा एटम क्या हो गया फिर तो फिर तो एटम

जो उनका मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में ठीक है सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों हमने पढ़ा था कि जो वेलासिटी है है ना उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है वेलासिटी चेंज हो रही है इट मीन्स क्या आ रहा है वहाँ पर एक्सलरेशन आ रहा है ठीक है ना तो वो ये नहीं समझा पाए कि जब एक्सलरेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं हो रही है वो स्टेबल कैसे है हमारा आइटम स्टेबल कैसे है ठीक है ड्यू टू एक्सेलरेशन द इलेक्ट्रॉन विल लॉस एनर्जी इस एक्सेलरेशन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है एनर्जी को लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ठीक है और अगर वो एनर्जी को लॉस कर रहा है तो क्या होना चाहिए था फॉल इन टू द न्यूक्लियस कहाँ गिर जाना चाहिए था वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था इन सच केस द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल एंड कोलैप्स और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा एटम कैसा हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा ठीक है तो ये जो एटम का एग्जिस्टेंस है ये रह ही नहीं पाएगा ठीक है इस चीज को हमारे रदर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का क्या हुआ अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा और एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों डिस्क्राइब बोअर्स मॉडल ऑफ द एटम ठीक है तो बोहर ने क्या किया यस yes, बोहर ने बिल्कुल रदर की बातों को लिया और जो रदर का ड्रॉबैक था ना उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ठीक है क्या कहा नीस बोहर प्रपोज द फॉलोइंग पॉस्टूलेट्स उन्होंने कुछ पॉस्टूलेट दिए ठीक है ना अपने मॉडल में उन्होंने कुछ पॉस्टूलेट्स दिए क्या थे वो हम अब देखते हैं ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड द एटम ठीक है जो रदरफोर्ड ने कहा था फिक्स ऑर्बिट इन्होंने क्या कहा कि एटम में सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट ही प्रेजेंट होती है ठीक है ना और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहा है ठीक है वायर रिवॉल्विंग इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी उन्होंने क्या कहा कि इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है यहीं से आ गया हमारा एक्सप्लेनेशन ठीक है इन्होंने कहा कि भाई ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है ना तो जब एक ही ऑर्बिट में वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है कोई एनर्जी वो रेडिएट नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है अब देखो समझो दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स उन्होंने इनको क्या कहा एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स ठीक है तो समझो बच्चों ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थी ना ये क्या है एनर्जी लेवल्स है इनका खुद का अपना एक एनर्जी लेवल है जो फिक्स है ठीक है जब एनर्जी लेवल फिक्स है किसी भी ऑर्बिट का तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी क्या हो गई फिक्स हो गई ठीक है तो यहां से आ गया हमारा एक्सप्लेनेशन फिर उन्होंने क्या किया बच्चों इन लेवल्स को नेम दे दिया ठीक है के एल एम एन लुक एट पिक्चर के शेल एल शेल एम शेल एन शेल ठीक है और क्या किया और इनको इन्होंने नंबर दे दिए भाई ऑर्बिट नंबर ये देखो ये फर्स्ट नंबर पे है ऑर्बिट नंबर वन क्या है के शेल ऑर्बिट नंबर टू क्या है एल शेल ऑर्बिट नंबर थ्री क्या है एम शेल और ऑर्बिट नंबर फोर क्या हो गई एन शेल हो गई ठीक है ये बात उन्होंने बता दी और क्या बताया उन्होंने और उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन भाई एक ही ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा कोई एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही बट जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से किसी दूसरे शेल पे जाता है तो एनर्जी का या तो इमिट करता है या एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करता है ठीक है ये हो गया हमारा बोर्स का मॉडल और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने देखो नंबरिंग कर दी है ना के ऑर्बिट नंबर वन है एन क्या हो गया वन एल के लिए एन क्या हो गया टू हो गया एम के लिए एन क्या हो गया थ्री हो गया और एन के लिए एन क्या है ये एन ऑर्बिट नंबर है ठीक है बिल्कुल याद रखेंगे हम आगे ये काम में आएगा ओके एल एम एन और नंबर क्या हो गए वन टू थ्री एंड फोर नेक्स्ट देखिए बच्चों कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल्स ऑफ एन एटम गिविन इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में जितने भी मॉडल्स दिए हैं उनको क्या करना है कंपेयर करना है कौन कौन से मॉडल देखे हमने थॉम्सन मॉडल और अदर फोर्ड मॉडल एंड बोहर्स मॉडल ओके सो है लुक थॉम्सन मॉडल थॉम्सन ने क्या कहा था भाई देखो एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फियर ठीक है विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट ठीक है यही कहा था उन्होंने और कंपेयर किससे किया था वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया था ठीक है फिर आए हमारे कौन रादर जी एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रादर एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस क्या कहा था इन्होंने बिल्कुल कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये जो प्रोटोन है ना भाई ये पूरे एटम में फैले हुए नहीं है ये तो एक छोटे से पार्ट में सेंटर में कंसनट्रेटेड है और उसे क्या नाम दिया न्यूक्लियस नाम दिया ठीक है द साइज ऑफ द न्यूक्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ़ द एटम न्यूक्लियस की साइज की साइज से बहुत ही कम होती है कितनी होती है टेन टू दाइनस फिफ्टीन मीटर होती है ठीक है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका क्या ये न्यूक्लियस के अराउंड एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है अब भाई हर इनके मॉडल्स में कुछ ना कुछ कमियाँ थी तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते गए और उन कमियों को

डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं ओके okay, ये होगा हमारे तीनों मॉडल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों समराइज द रूल फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट एटीन एलिमेंट्स क्या बताना हमको? है हमको रूल्स बताने हैं ठीक है देखो

किसी भी शेल में पढ़ी थी ना हमने के एल एम एन एन किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ये हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं कौन सा फॉर्मूला टू एन स्क्वायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा राइट वेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स एन क्या है बच्चों ऑर्बिट नंबर है ना पढ़े थे ना हमने वन टू थ्री फोर और एनर्जी लेवल इंडेक्स ठीक है क्योंकि ऑर्बिट को क्या कहते हैं एनर्जी लेवल भी कहते हैं और क्या रूल्स हैं बच्चों देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के ऑर्बिट अब हम एक एक ऑर्बिट की बात कर लेते हैं शेल की बात कर लेते हैं के शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है बच्चों वन है है ना एन क्या है भाई के के लिए वन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन स्क्वायर एन क्या है हमारा वन है ये देखो ठीक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए टू आ गए ठीक है अब सेकेंड ऑर्बिट क्या है हमारा एल है ठीक है एल के लिए एन क्या है ऑर्बिट नंबर क्या है टू है ठीक है ना क्या है भाई ऑर्बिट नंबर टू है तो ये देखो टू का स्क्वायर टू एन स्क्वायर क्या आ गया एट एल शेल में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के एट हो सकते हैं एट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ठीक है एट से कम हो सकता है अगर एलिमेंट हमें इलेक्ट्रॉन ही कम है तो बट एट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ठीक है थर्ड ऑर्बिट क्या है हमारी एम के एल एम भाई थर्ड है ना तो ऑर्बिट नंबर क्या है थ्री है ठीक है थ्री का स्क्वायर टू एन स्क्वायर है क्या आ गया बच्चों एटीन आ गया एंड सो ऑन एन अगर हम फोर रख देंगे ठीक है ये हमारा कैपिटल एन शेल ठीक है इसका ऑर्बिट नंबर कितना होता है फोर होता है तो कितना आ जाएगा भाई टू एन स्क्वायर है तो फोर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ये हो गया हमारा थर्टी टू इलेक्ट्रॉन ठीक है तो हम बात करें कहाँ तक की एटीन एलिमेंट तो ये यहाँ पे एम शेल में कितने आ सकते हैं एटीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ठीक है बट आपकी बुक में कहाँ तक है आपको एटीन नंबर के एलिमेंट तक ही लेना है ऑर्गन तक ही पढ़ना है ठीक है तो ऑर्गन के केस में हमारे इस एम शेल में एट ही इलेक्ट्रॉन तक हम पढ़ेंगे उसके आगे हायर क्लासेस में देखेंगे ओके okay. और रूल्स क्या हैं बच्चों याद कीजिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एट इलेक्ट्रॉन ठीक है ऐसी एटम की टेंडेंसी होती है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ठीक है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट राइट शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्टेप वाइज मैनर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसी भी शेल में एक स्टेप वाइज मैनर में ही फिल किए जाते हैं ठीक है मैंने आपको बताया था भाई स्टेयर केस है अगर तो आप डायरेक्ट फिफ्थ पे थोड़ी जाओगे पहले फर्स्ट स्टेप पे चढ़ोगे देन सेकंड देन थर्ड ठीक है तो द आउटर शेल इज नॉट ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन्स अनलेस द इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स जब तक इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं ओके तो ये हो गए क्या बच्चों कुछ रूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट दसीमेंट इज दी ऑफ दलिमेंट क्या है ये एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी यही देखा था हमने की जो एलिमेंट है वो कितने अदर एलिमेंट के एटम से कम्बाइन कर सकता है राइट right? और क्या था दैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी हम वैलेंसी को बताते हैं राइटेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट राइट अब हम बात करते हैं किसकी सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आप बच्चों सिलिकॉन है ऑक्सीजन है क्या पता होना चाहिए हमको बिल्कुल हमको इनके एटॉमिक नंबर बिल्कुल पता होने चाहिए अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए मैंने आपको बोला था कि कम से कम 18 एलिमेंट तक के आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल याद होने चाहिए सिंबल्स नेम सब कुछ याद होना चाहिए ठीक है तो देखो सिलिकन का सिम्बल एस si. ओके okay? और इसका अटामिक नंबर होता है बच्चों कितना फोर्टीन ठीक है अटामिक नंबर फोर्टीन मीन्स प्रोटोन कितने हैं फोर्टीन प्रोटोन फोर्टीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं फोर्टीन ठीक है कितने हो गए इलेक्ट्रॉन फोर्टीन अब इसे हम इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते हैं ठीक है ये देखो फर्स्ट शेल में टू देन एट एट और टू तो कितने हो गए टेन रिमेनिंग कितने हुए बच्चों फोर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बच्चों फोर ठीक है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है ये फोर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और फोर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है नंबर क्या आ रहा है फोर है ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फोर हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों फोर हो गई ओके okay. नेक्स्ट क्या है हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन भाई कौन से नंबर पे आता है एट नंबर पे आता है अब ये याद भी तो होना चाहिए ना बिल्कुल होना चाहिए ठीक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए Number of electrons, ठीक है. अब इसका electronic configuration देखते हैं. First shell में electrons. Second में मत कर देना. टोटल इलेक्ट्रॉन ही एट है टू तो फर्स्ट में आ गए. गए गए. अब कितने बच बच भाई? ठीक है ना टू एंड सिक्स अब जरा देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है टू इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इट मीन्स ये टू इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है किसी से क्या करेगा ये किन्हीं दो एटम से किन्ही दो एटम से या किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई टू हो गई तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई बच्चों टू ठीक है यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखे यहाँ पे हमने क्या बात की है कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात की है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना इनको एटॉमिक नंबर मास नंबर आइसोटोप्स आइसोबास गिव एन ई टू यूजेज ऑफ आइसोटो ठीक है किसी भी एलिमेंट के ऐटम में कितने प्रोटोन्स प्रेजेंट है वो क्या है उसका एटामिक नंबर है इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन है सेवन प्रोटोन्स इन इट्स एटम दस द अटोमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज कितना हो गया सेवन हो गया सेवन प्रोटोन है तो अटोमिक नंबर क्या हो गया सेवन हो गया नेक्स्ट मास नंबर द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दट एलिमेंट क्या है भाई मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओकेड बाई ए ठीक है क्या है ये ए प्लस एन ठीक है एग्जाम्पल देखिए बोरोन बोरोन में नंबर ऑफ प्रोटोन गिवेन है कितने भाई फाइव ठीक है यस yes, इसका टॉमिक नंबर फाइव है ये फाइव नंबर पे आता है ओके okay? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं सिक्स है तो इसका मास नंबर कितना हो गया वेरी सिंपल फाइव प्लस सिक्स इलेवन ठीक है कितना हो गया एलेवन तो क्या है मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट क्या है हमारा आइसोटोप्स याद कीजिए क्या है आइसोटोप्स बच्चों आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के ही एटम हैं जिनमें क्या है भाई दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स एंड हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर भाई सेम एलिमेंट हैं तो बिल्कुल एटॉमिक नंबर तो सेम ही होंगे और जो उनके मास नंबर हैं वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है अब ये मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट क्यों हुए भाई प्रोटॉन्स तो सेम है तो मास नंबर क्या था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके था ठीक है प्रोटॉन सेम है इट मींस डिफर क्या है न्यूट्रॉन डिफर है दोनों में ठीक है ये देखिए एग्जांपल हमारा कार्बन और ये भी कार्बन कार्बन ट्वेल्व एंड कार्बन फोटीन ठीक है ये हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था बच्चों है ना जेड क्या है एटॉमिक नंबर एक है मास नंबर तो देखो एटॉमिक नंबर सिक्स है दोनों में और मास नंबर देखना जरा ट्वेल्व और फोर्टीन क्या चेंज आ रहा है इनमें इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो गए हैं ठीक है भाई यहाँ पे देखो प्रोटोन कितने सिक्स है? हैं है ना तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं सिक्स है सिक्स और सिक्स ट्वेल्व हो गया इस केस में देखो भाई प्रोटोन तो सिक्स ही है बट मास नंबर फोर्टीन आ रहा है इट मींस न्यूट्रॉन कितने हो गए भाई न्यूट्रॉन हो गए एट ठीक है तो आइसोटोप्स में क्या डिफर है न्यूट्रॉन नंबर डिफर है ठीक है इसके हमने और एग्जांपल्स देखे थे देखा था ना भाई हाइड्रोजन का वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम ठीक है बच्चों? इसको आप मॉडर्न में कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं बोथ आर करेक्ट, ठीक है ये क्या है आइसोटोप्स है ओके नेक्स्ट बच्चों क्या आइसो पास बिल्कुल आइसोटोप से थोड़ा सा डिफर आइसोटोप से क्या हो गया ये अपोजिट हो गए दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नंबर ठीक है डिफरेंट एलिमेंट है मास नंबर सेम है बट डिफरेंट अटोमिक नंबर है अब देखो अटोमिक नंबर डिफरेंट है तो बिल्कुल एलिमेंट डिफरेंट है ठीक है भाई मैंने कहा एटॉमिक नंबर सिक्स एलिमेंट कार्बन अटोमिक नंबर सेवन सेवन तो क्या है एलिमेंट नाइट्रोजन ठीक है ना एग्जाम्पल देखो ये हमारा कैल्शियम और ऑर्गन इसका देखो अटोमिक नंबर ट्वेंटी है और इसका एटीन है और दोनों के मास नंबर ज़रा देखना यस मास नंबर इनके सेम है ठीक है तो आइसोबाइस क्या है

हैज कंप्लीटली फील्ड के एन एल शस एक्सप्लेन ठीक है एन ए प्लस ओके तो पहले हम बात करते हैं क्या एन एटम सोडियम ठीक है एन ए एटोमिक नंबर कितना है इलेवन है ठीक है इलेवन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना हो गया बच्चों ये देखिए बहुत बार देख लिया हमने फर्स्ट शेल में टू देन एट रिमेनिंग वन कहाँ आ गया आउटर में आ गया ठीक है अब ये वन क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है है ना इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर सकता है ये आराम से इस वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ये शेल हमारा खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आउटर शेल ठीक है तो ये बन जाएगा क्या क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही आयन बन जाएगा पॉजिटिव आयन बन जाएगा है ना मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो चार्ज कौन सा आता है पॉजिटिव ठीक है तो ये तो क्या है सोडियम एटम की बात है सोडियम आयन में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आयन है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे इलेवन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टेन हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए बच्चों टेन टू एंड एट के शेल एंड एल शेल ठीक है के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कंप्लीट है एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं एट आ सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट है ठीक है तो यहां से हमें पता लग रहा है कि के एंड शेल एल शेल आर कंप्लीटली फिल्ड ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों ब्रोमीन आइटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटोप्स ब्रोमीन का आइटम है उसके टू टाइप्स के आइसोटोप प्रेजेंट है ठीक है ये देखिए थर्टी फाइव बी आर सेवनटी नाइन इसका मास नंबर कितना है सेवेंटी नाइन है और ये वाला है इसका मास नंबर कितना है एटी वन है कितनी परसेंटेज है इसकी फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट एंड फिफ्टी पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है तो हमको क्या करना है इन दोनों का हमको एवरेज अटोमिक मास कैलकुलेट करना है ठीक है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम भाई ये आइसोटोप्स है ना तो अगर हम ब्रोमीन एलिमेंट की बात करें तो इनका एवरेज हमको फाइंड आउट करना है ठीक है तो बच्चों एवरेज के लिए क्या करते हैं एक फॉर्मूला याद रखना है बहुत सिंपल सा क्या है भाई एक आइसोटोप की बात करते हैं इसका मास नंबर ये रहा मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस दूसरे एलिमेंट दूसरे आइसोटोप का मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अपॉन हंड्रेड ठीक है ये हम करते हैं द एवरेज एटोमिक मास ऑफ प्रोमिन ये देखो ये मास नंबर आ गया फर्स्ट आइसोटोप का और ये उसकी क्या है परसेंटेज प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास नंबर एंड उसकी परसेंटेज अपॉन हंड्रेड ठीक है बहुत सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है बस क्या करना है पहले वाला आइसोटोप का मास नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस ठीक है जो गिवन है प्लस दूसरे आइसोटोप का मास नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज अबंडेंस अपॉन हंड्रेड ठीक है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से वी गेट थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ठीक है ये मल्टीप्लीकेशन तो आप ही करोगे ओके एंड हेयर फोर थाउजेंड सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री अपॉन हंड्रेड ठीक है इन दोनों को ऐड कर दिया एंड वी गेट एट थाउजेंड पॉइंट सिक्स अपॉन हंड्रेड ठीक है बच्चों अब इसको समझो जरा ये है अपॉन पॉन में क्या है हंड्रेड है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना बहुत ईजी है मैथ्स में बिल्कुल आप करते हो देखो कितने जीरो हैं टू ठीक है तो टू नंबर के बाद हमने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया एट्टी पॉइंट जीरो जीरो सिक्स पॉइंट जीरो जीरो सिक्स बहुत ही कम है ठीक है तो क्या आ गया ये अप्रोक्सीमेटली एट्टी यू आ गया तो ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया एट्टी यू आ गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों एवरेज एटोमिक एलिमेंट एक्स इज यू ठीक है कोई है, है है है? ना? और उसका ठीक कुछ कुछ हमारे से मिलता जुलता है ठीक है ना वॉट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप एट एक्स सिक्सटीन एट एक्स एटीन इन द सैंपल ठीक है भाई कोई सैंपल है उसके दो आइसोटोप्स हैं है ना? और उनका क्या दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है ठीक है तो क्या बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में आइसोटोप्स की परसेंटेज दे रखी थी और मास कैलकुलेट कराया था एवरेज मास इसमें क्या है एवरेज मास गिवन है और क्या करना है हमको हमको इन दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ठीक है तो अब बच्चों क्या करते हैं हम परसेंटेज एक बार मान लेते हैं ठीक है सपोज बिल्कुल करते हैं ना मैथ्स में तो क्या करते हैं इस इस वाले आइसोटोप की हमने मान ली कितना है ये एक्स परसेंटेज है ठीक है तो दूसरे वाला ऐसे की क्या होगी भाई हंड्रेड होता है पूरा परसेंटेज में तो दूसरे की कितनी हो जाएगी हंड्रेड माइनस एक्स हो जाएगी ठीक है ना ये क्या आ गई हमारी परसेंटेज आ गई है ठीक है अब हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला था कि मास नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज अबेंडेंस प्लस मास नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज अबेंडेंस यही था ना अपॉन हंड्रेड ठीक है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों देखो एवरेज एटॉमिक मास मास नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज मास नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज ठीक है और एवरेज एटॉमिक मास गिवन है सिक्सटीन पॉइंट टू यू ठीक है बच्चों तो देखो मास नंबर पहले के केस में कितना है सिक्सटीन है और ये परसेंटेज मैं, मैंने मान ली कितनी एक्स है प्लस मास नंबर कितना है सेकेंड आइसोटोप में एटीन है और परसेंटेज कितनी हो गई भाई हंड्रेड माइनस एक्स हो गई ठीक है और अपॉन में क्या हो गया हंड्रेड हो गया ठीक है अब इसको आपको कैलकुलेट करना है सॉल्व करना है बहुत सिंपल ये हो गया हमारा सिक्सटीन एक्स अब इसका क्या क्या करना है बच्चों ब्रैकेट को खोलना है एटीन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड और एटीन मल्टीप्लाइड बाई एक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बिल्कुल तो कर देते हैं ये ये देखो बच्चों क्या हुआ यहाँ से हमारा एक्स प्लस एटीन इसको मैं अभी यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ ठीक है ना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हों ये देखिए ये हो गया ठीक है सिक्सटीन एक्स प्लस एटीन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कितना हो गया एटीन हंड्रेड और माइनस एटीन एक्स और ये फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन है हमको सिक्सटीन पॉइंट टू है क्वेश्चन में ही ठीक है ये हो गया अब सॉल्व करना है अपॉन में क्या है भाई हंड्रेड है ठीक है तो देखो भाई अब क्या करते हैं हम सिंपल सी कैलकुलेशन ये हंड्रेड को इससे हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो क्या मिल जाएगा हमको वन सिक्स टू ज़ीरो पूछना मत कि ये क्यों आया मैम भाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे ना बिल्कुल आ जाएगा यही ठीक है एक पॉइंट है तो एक जीरो तो हमारा पॉइंट से चला जाएगा ठीक है सिक्सटीन एक्स प्लस एटीन हंड्रेड माइनस एटीन एक्स ठीक है अब बच्चों क्या करना है? देखो एटीन एक्स किसके हैं माइनस के हैं है, और सिक्सटीन एक्स प्लस के हैं तो क्या बचा माइनस के टू एक्स बचे ठीक है, है तो मैं इन माइनस के टू एक्स को उठा के इधर ले आती हूँ तो वो क्या हो गए प्लस के टू एक्स हो गए अब क्या हुआ यहाँ पे एटीन हंड्रेड प्रेजेंट है इसका क्या इसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ ठीक है मैंने इसका साइड चेंज कर दिया तो साइन भी चेंज हो जाएगा ये क्या हो गया वन सिक्स टू जीरो ये हो गया तो बच्चों टू एक्स क्या आ गया इज इक्वल टू वन एट्टी आ गया अब तो कुछ बचा ही नहीं है एक्स क्या आ गया भाई वन एट्टी अपॉन टू विच इज नाइनटी ठीक है तो यानी कि हमारा जो एक्स था है ना पहला वाला जो आइसोटोप था वो कितना उसका परसेंटेज है नाइन्टी परसेंट है तो भाई दूसरे का कितना है बहुत सिंपल हंड्रेड माइनस लिया था हमने तो हंड्रेड माइनस एक्स 90 क्या आ गया 10% आ गया ठीक है तो क्या आ गई परसेंटाइल 90% एंड 10% ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों इफ जेड इज इक्वल टू थ्री व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट आल्सो नेम द एलिमेंट बहुत सिंपल क्या है z है थ्री z क्या होता है भाई एटॉमिक नंबर ठीक है क्या बताना है हमको वैलेंसी बतानी है ठीक है एटॉमिक नंबर क्या है 3 है ठीक है ना तो भाई यानी कि प्रोटोन कितने हैं थ्री हैं इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं थ्री हैं तो इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फर्स्ट शेल में टू आ गए और फिर कितने आ गए वन आ गए भाई थ्री तो इलेक्ट्रॉन है है ना के शेल में तो टू आ गए और इस एल में कितना है वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है तो ये क्या करता है इस वन इलेक्ट्रॉन को ईजिली ये डोनेट कर देता है और वी कैन से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है बच्चों कितना दिख रहा है यहाँ पर वन दिख रहा है ठीक है तो इट मीन इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है टू और वन ठीक है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन है द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज वन सिंस द आउटर मोस्ट शेल हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन ठीक है और भाई इस एलिमेंट का नाम क्या है वो तो आप तभी बताओगे जब आपको वो टेबल याद है कि एटॉमिक नंबर थ्री तो ये क्या है ये है हमारा लिथियम एल आई okay? ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिया ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर ठीक है दो हमारे पास एटॉमिक स्पीशीज हैं उनके कंपोजिशन गिवन है एक्स वाई प्रोटोन्स इसमें सिक्स हैं एक्स में और न्यूट्रॉन्स कितने हैं सिक्स हैं और वाई में प्रोटोन्स कितने हैं सिक्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं एट हैं ठीक है तो फाइंड आउट क्या करना है गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई बहुत सिंपल ट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज मास नंबर क्या होता है मास नंबर बहुत सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है ये देखो सिक्स एंड सिक्स क्या आ गया ट्वेल्व सिक्स एंड एट क्या हो गया फोर्टीन कुछ याद आया क्या देखिए मास नंबर ऑफ एक्स कितना हो गया सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व मास नंबर ऑफ वाई मास नंबर ऑफ वाई क्या है फोर्टीन ठीक है तो भाई देखो क्या है ये प्रोटोन सिक्स है दोनों में ही प्रोटोन सिक्स है क्या है हमारा कार्बन की बात हो रही है और मास नंबर ट्वेल्व एंड फोर्टीन है तो हमें क्या याद आ रहा है क्या आपको ये याद आ रहा है बिल्कुल तो क्या है बच्चों इनमें क्या रिलेशन है ये दोनों आइसोटोप्स हैं दीज टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप्स ये कार्बन के क्या है आइसोटोप है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स ठीक है कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमें बताना ट्रू है कि फॉल्स है ओके प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस याद करो क्या जे जे थॉम्सन ने न्यूक्लियस की कोई बात की थी बिल्कुल नहीं की थी तो ये क्या है बच्चों फॉल्स है ठीक है कंप्लीटली फॉल्स है न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन कम्बाइनिंग टूगेदर दे आर फोर इट इज न्यूट्रल ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा था ठीक है भाई न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या नो no, बिल्कुल नहीं तो ये भी क्या हो गया बच्चों हम फॉल्स हो गया ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट वन अपॉइंट टू थाउजेंड टाइम्स दैट ऑफ प्रोटोन कुछ याद आयास पढ़ा yes, था हमने कि जो प्रोटोन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से टू थाउजेंड टाइम्स ज्यादा है ठीक है इसको अगर मैं उल्टा बोलूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटोन के मास से वन बाई टू थाउजेंड टाइम्स है कम है ना तो यस ये क्या है हमारा ट्रू है ठीक है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज एज अ मेडिसिन बिल्कुल ट्रू है बच्चों आयोडीन का आइसोटोप होता है बिल्कुल होता है और उसका यूज़ किया जाता है टिंक्चर आयोडीन बनाने में जो कि मेडिस मेडिकल में काम आता है ओके नेक्स्ट देखिए रदर फोर्ड्स एल्फा पार्टिकल्स स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ रदर फोर्ड ने जो एल्फा रेक्स स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उससे किसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी भाई एटॉमिक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन की की थी नहीं प्रोटोन की की थी नहीं न्यूट्रॉन की की थी नहीं इनके डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन की किसने की थी भाई Thompson ने की थी है ना प्रोटोन की किसने की थी गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की किसने की, थी? James, ने की थी, तो yes. क्या बताया था बच्चों के आइसोटोप में इनमें से क्या होता है ठीक है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है नो no, डिफरेंट होती है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज याद करो आइसोटोप्स हैं एक ही एलिमेंट है तो क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी नहीं सेम होती हैं है ना मोस्टली सेम ही होती हैं तो ये भी नहीं ठीक है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी देखते हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है नहीं भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो वो तो एलिमेंट ही बदल गया और आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं डिफरेंट क्या होता है मास नंबर और किसकी वजह से डिफरेंट होता है वो मैंने आपको बताया था यस yes. क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यस उनमें जो है न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफर डिफर होते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सी एल माइनस आय सी एल माइनस ठीक है पहले बात करते हैं हम किसकी क्लोरीन एटम की ठीक है एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों सेवेंटीन होता है है ना इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेवनटीन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट एंड सेवन यही होता है ना ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने ले लिया गेन किया इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये बन गया आयन अब कौन सा आयन भाई इस पर कौन सा चार्ज आ गया माइनस चार्ज आ गया तो ये बन गया सी माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ठीक है तो क्या हो गया टू एट एन एट हो गया ठीक है ना तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे सेवन थे अब कितने दिख रहे हैं आपको एट हो गए हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन है तो हमारा बी क्या है करेक्ट आंसर है ठीक है सी एल माइनस आयन के केस में राइट क्लोरीन एटम की नहीं क्या है ये सी एल माइनस क्लोराइड आयन ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम बहुत सिंपल कितनी बार हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया है सोडियम क्या है इसका एटॉमिक नंबर इलेवन ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेवन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इलेवन ठीक है देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट कितने हुए टेन रिमेनिंग वन तो भाई कौन सा ऑप्शन है ये रहा टू एट एंड वन ठीक है ये करेक्ट है नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ये एक टेबल गिवन है बच्चों ठीक है क्या क्या है इसमें

एटॉमिक नंबर नाइन है इट मींस नंबर ऑफ प्रोटोन भी कितने हैं नाइन है ठीक है. है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए नाइन हो गए अब इसका नाम क्या है बच्चों ये क्या है ये हमारा फ्लोरीन है ठीक है अब मास नंबर देखो न्यूट्रॉन गिवन है प्रोटॉन ये रहे क्या होता है मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया नाइनटीन हो गया ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चों सिक्सटीन नंबर एटॉमिक मास मास नंबर थर्टी टू भाई क्या है ये बिल्कुल याद आ गया सल्फर है ये ये गिवन भी है ठीक है अब सिक्सटीन क्या है एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटोन भी क्या हो गए हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए हो गए ठीक है मास नंबर देख लो कितना है बच्चों थर्टी टू है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया भाई थर्टी टू माइनस सिक्सटीन कितना हो गया सिक्सटीन हो गया ठीक है ये हमारा सल्फर नेक्स्ट <coughs> देखो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर तो यहाँ लिख दीजिए ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्वेल्व है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी ट्वेल्व है प्रोटोन ट्वेल्व है कौन सा एलिमेंट है ये हमारा है मैग्नीशियम एम जी ट्वेल्व नंबर पे ठीक है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर देखो कितना है ट्वेंटी फोर है ठीक है प्रोटॉन कितने हैं ट्वेल्व है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए सिंपल ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व कितने हो गए ट्वेल्व हो गए ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों नंबर ऑफ प्रोटोन सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटोन को या एटॉमिक नंबर को पकड़ना चाहिए ठीक है वही हमें सब कुछ बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन वन है, है. यानी कि ये हाइड्रोजन हो सकता है बट रुको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी होते हैं ठीक है तो नंबर ऑफ देखो प्रोटोन कितना है वन है और मास नंबर है टू इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है कुछ कितने हैं वन है इलेक्ट्रॉन तो भाई वन ही है ठीक है अब वन न्यूट्रॉन है अब जरा याद करो हाइड्रोजन का है? तीन आइसोटोप प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ठीक है तो जो प्रोटियम है ना भाई उसमें तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो फिर ये क्या है ये है हमारा एटॉमिक नंबर तो भाई वन ही आएगा है ना आइसोटोप है ये ठीक है एटॉमिक नंबर तो सेम ही है तो ये जब टू मास नंबर है वन न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो बच्चों ये क्या है ये हमारा है ड्यूटीरियम है ना देखा था ना हमने डी से इसको रिप्रेजेंट किया था ये क्या है ड्यूटेरियम है है तो हाइड्रोजन एलिमेंट लेकिन उसका आइसोटोप है ठीक है नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई वन है ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो जीरो हो गए ये कैसे हो गया मैम आपने तो कहा था दोनों सेम होते तो दिमाग पे जोर डालो किस केस में जीरो हो सकता है आयन क्या है ये बच्चों ये कोई आयन हो सकता है बिल्कुल ठीक है तो नंबर ऑफ प्रोटोन वन है एटॉमिक नंबर क्या हो गया वन हो गया मास नंबर वन है ये देखो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है ठीक है इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया डोनेट कर दिया है ठीक है बन गया है क्या आयन और कौन सा चार्ज आ जाएगा अब ये हो गया हमारा एच प्लस ठीक है ना हमने देखा था ये जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और डोनेट भी कर सकता है तो इसका कैटाइन भी हो सकता है और एन भी हो सकता है ओके सो हेयर आर क्वेश्चन आंसर्स आर कंप्लीटेड नाउ सो कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू